नमस्ते दोस्तों, हैप्पीली वेज में आपका स्वागत है, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं आसान, स्वादिष्ट और पौष्टिक रेसिपीज। आज हम बनाने जा रहे हैं बेहद आसान और स्वादिष्ट मूंगफली के लड्डू। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के चिन्ह को दबाइए ताकि हमारी आने वाली रेसिपीज आप तक आसानी से पहुँचे। रेसिपीज पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट happilyveg.com को विजिट कर सकते हैं। इस रेसिपी के लिए सामग्री की सूची आप यहां और नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। ये लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हम मूंगफली को भूनेंगे। इसे हम लगातार चलाते हुए धीमी आंच पर भूनेंगे। मूंगफली के दानों को बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, वरना लड्डुओं में कड़वाहट आ जाएगी। दोस्तों, मूंगफली, गुड़ और घी नियमित रूप से खाना हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये पौष्टिक तत्वों से भरपूर होते हैं। इसलिए आप इन लड्डुओं को एक हेल्दी स्नैक के तौर पर भी खा सकते हैं। आप देख सकते हैं मूंगफली अच्छी तरह से भुन चुकी है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा होने देंगे। मूंगफली थोड़ी ठंडी हो गई है, अब हम इसके छिलके उतारेंगे। हम इस तरह से हाथों से रगड़ते हुए इनके छिलके उतारेंगे। अब फूंक मारकर छिलकों को दानों से अलग करेंगे। दोस्तों, आप इनके छिलके उतारने के लिए एक न्यूज़पेपर भी नीचे रख सकते हैं ताकि छिलके यहाँ वहाँ ना उड़े। लड्डू बनाने के लिए मूंगफली के दाने तैयार हैं। अब हम मूंगफली और गुड़ को मिक्सर ग्राइंडर में एक साथ चलाएंगे ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। मैंने यहाँ गुड़ का पाउडर इस्तेमाल किया है, पर आप गुड़ को कद्दूकस करके या बारीक काट के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें मूंगफली को दरदरा पीसना है, इसका पाउडर नहीं करेंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं हमने मूंगफली को एकदम हल्का दरदरा पीसा है। आप मूंगफली के पीसेस भी देख सकते हैं। अब इस मिश्रण में इलायची पाउडर और पिघला हुआ घी मिलाएंगे और सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये मिश्रण ज़्यादा चिपचिपा नहीं बनाया, क्योंकि हमने गुड़ का पाउडर इस्तेमाल किया है। अगर आप गुड़ को काट कर या कद्दूकस करके फिर मिक्सर में चलाएंगे तो मुझे लगता है मिश्रण ज़्यादा इकट्ठा होगा और आपको घी कम इस्तेमाल करना पड़ेगा। लड्डू बनाने के लिए मिश्रण तैयार है। अब हम थोड़ा थोड़ा मिश्रण हाथों में लेकर इस तरह से दबाते हुए इसके लड्डू बनाएंगे। दोस्तों, अगर आपको लगे कि लड्डू बन नहीं रहे हैं तो आप थोड़ा सा पिघला हुआ घी 1 या 2 चम्मच और इसमें डाल सकते हैं। लड्डू को हम दोनों हाथों के बीच घुमाते हुए गोल कर लेंगे। लड्डू तैयार है, बाकी लड्डू भी हम इसी तरह से बनाएंगे। दोस्तों, आपने देखा कि ये लड्डू बड़ी आसानी से बन जाते हैं और यकीन मानिए ये बहुत स्वादिष्ट बनते हैं। तो आप इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिए और आपके विचार हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।